सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज के वीडियो में बात करने वाले मोटोरोला के दो न्यू जी सीरीज के फोन के बारे में, एक G40 एक G60, दोनों इंडिया में लॉन्च हो गए कुछ कमाल के प्राइसिंग के साथ में, कुछ कमाल पैकेज मोटोरोला लेके आ गया है। कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले, तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। जहाँ पर दोस्तों हम सभी जानते हैं मोटोरोला जी सीरीज के साथ में हमेशा कुछ कमाल करता है, कुछ कमाल प्राइसिंग में कमाल बजट सेगमेंट फोन लेके आ जाता है, एकदम कमाल वैल्यू फॉर मनी के साथ में। अभी दो और न्यू फोन, एक G40 और G60 लॉन्च किया, दोनों एक्चुअल में लुक्स के मामले में कंप्लीटली सेम है, बस कैमरा का ही फर्क है, बाकी सारे के सारे फीचर्स भी सेम है। जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं, और डिज़ाइन में आपको अगेन मोटोरोला को एक पॉलीकार्बोनेटी बैक देखने को मिलता है, थोड़ा ग्लॉसी फिनिश में डिज़ाइन में देखने को मिल जाएगा। आपको सामने में एक 6.78 इंच का आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, एक AMOLED डिस्प्ले नहीं है बट एक अच्छा डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर बैक के बारे में बात करें तो आपको दो कलर में देखने को मिलेगा, एक फ्रॉस्टेड शैम्पेन और एक डायनामिक ग्रे। जहाँ पे फोन का वेट कुछ 170 ग्राम्स के आसपास है, और आगे आपको डिस्प्ले में एकदम सेंटर में पंच होल डिजाइन में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, और बैक में आपको एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे पहले से थोड़ा सा उसमें भी डिज़ाइन चेंज किया गया है मोटोरोला की तरफ से, एक काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल जाता है, और पीछे में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। फोन में 3.5mm जैक भी अवेलेबल है। जहाँ पर डिज़ाइन के बाद अगर हम थोड़े फीचर्स के बारे में बात करें, तो जो इसका डिस्प्ले वो HDR10+ के साथ साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट लेके भी आता है। अगर AMOLED आ जाता तो थोड़ा कमाल हो जाता, क्योंकि Redmi की Note 10 सीरीज में हमें AMOLED देखने को मिला था जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, पर तो भी 120Hz मिल रहा है, एक 6.78 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, तो ठीक ही है। बाकी अगर हम लोग प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलता है। ये वही प्रोसेसर है जो हमें Redmi की Note 10 Pro और Pro Max में देखने को मिला था, अगेन वही सेगमेंट का फोन है तो वही प्रोसेसर अगेन यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ पे रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो मोटोरोला का G40 में आपको एक 4GB 64 और एक 6GB 128 दो वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, पर अगर हम लोग G60 के बारे में बात करें तो उसमें आपको एक सिंगल वेरियंट 6GB 128 GB का देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल रहा है, तो डुअल सिम के साथ साथ में आप SD कार्ड भी लगा सकते हो। ऑब्वियसली 732G प्रोसेसर है तो आपको 4G देखने को मिल रहा है, 5G फोन नहीं है, पर डेडिकेटेड स्लॉट के साथ में आप 1TB तक स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो। उसके साथ में फोन में आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, मोटोरोला का 20W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। जहाँ पे ये जो फोन का डिज़ाइन है वो वाटर रिपेलेंट है, तो थोड़ा बहुत जो पानी का छींटे पड़ते हैं उससे ये फोन बच जाएगा, बट एज सच कोई भी IP रेटिंग नहीं बताया गया इस फोन में, तो थोड़ा बहुत पानी से आप बचा सकते हो फोन को। और उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे थिंग शील्ड का सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ फोन में देखने को मिलता है। उसके साथ में Android 11 आपको मिल रहा है, अभी नियर टू स्टॉक Android, तो कोई भी ब्लोटवेयर का चक्कर, कोई भी ऐड का चक्कर, कोई भी बेफालतू के जो ऐप्स होते हैं वो सारे चक्कर आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलने वाला है, एकदम क्लियर स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ में आपको Android 12 का गारंटी अपडेट के बारे में यहाँ बता दिया गया है, उसके साथ में आपको 2 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे, वो भी इस फोन में यहाँ पे मोटोरोला ने कम्प्लीटली क्लियरली बता दिया है, तो अपडेट्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जहाँ पे अब अगर हम लोग बात करें कैमरा के बारे में, तो जो आपका G40 उसमें जो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है वो आपको 64 का देखने को मिल जाएगा, 64 का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो देखने को मिलेगा। डेप्थ का काम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो उसका ज़रूरत नहीं है। बाकी सेल्फी में आपको 16 MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे अगर अब हम लोग बात करें G60 के बारे में, तो सेम कैमरा ही है, बाकी दो कैमरा जो 8 MP और 2 MP का, बस जो उसका मेन कैमरा, मेन जो सेंसर है वो 64 के जगह आपको 108 MP का देखने को मिल जाता है। और सेल्फी के बारे में बात करें तो आपको 16 के बदले यहाँ 32 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है इसी G60 में। जहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट मैंने आपको बता दिया, एक 6GB 128 वाला वो सिंगल वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे उसके साथ साथ में जो G60 में प्लस पॉइंट है वो है NFC का, आपको G60 में NFC का सपोर्ट मिल रहा है। वैसे आज सच इंडिया में NFC उतना रोल आउट नहीं हुआ है, तो ज़्यादा कुछ वो इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। बाकी अगर हम लोग प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो जो G40 का 4GB 64 वाला वेरिएंट है उसका प्राइसिंग 13999 यानी 14,000 रुपये है, और 6GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस 15999 यानी 16,000 रुपये। एग्जैक्टली वही प्राइस है Redmi Note 10 Pro का 6GB 128 वाला वेरिएंट का, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेसर मिल रहा है और सेम प्राइसिंग में देखने को मिल जा रहा है मोटोरोला की तरफ से। जहाँ पर अगर हम G60 के बारे में बात करें तो उसका प्राइस 17999 यानी 18,000 रुपये।
जहाँ पे ये मोटरोला का जो सबसे खास बात है उसका स्टॉक एंड्रॉयड जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है जो आपको एम आई के फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे एम आई के फ़ोन्स भी काफ़ी अच्छे थे इस प्राइस सेगमेंट में, काफ़ी अच्छा बिल्ड देखने को मिल रहा है, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे मोटरोला के दोनों फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलेंगे। बट जो मेजर एक रीज़न होने वाला है जिसके कारण आप मोटरोला के फ़ोन्स में आपको जाना चाहिए वो है इसका यूआई, जो आपको यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। क्योंकि आजकल एमआई के अपडेट्स पे अपडेट आने पे आपको बग्स बढ़ते जा रहे हैं, उतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। अगर हमने सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे एमआई और मोटोरोला दोनों फ़ोन को, तो आपको मोटोरोला में थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा सॉफ्टवेयर के मामले में। बाकी हार्डवेयर और बिल्ड के मामले में आपको रेडमी के फ़ोन थोड़ा बेटर देखने को मिल जाएंगे इसी प्राइस सेगमेंट में। बाकी प्रोसेसर तो सेम है, बाकी कैमरास भी मोटोरोला का काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। डिस्प्ले में बस एमोलेड का ही कमी किया मोटोरोला ने, बाकी कमाल का पैकेज पैक कर दिया। मेरे हिसाब से प्राइसिंग भी काफ़ी सही है, तो अगर आपको एकदम स्मूथ क्लियर एक्सपीरियंस चाहिए तो ऑब्वियसली आपको इसी फोन में आ जाना चाहिए। वैसे G60 को मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे मैंने रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का भी उतना रिकमेंड नहीं किया था, बस कैमरा का एक सेंसर के लिए ज़्यादा पैसा देना कोई सेंस बनता नहीं है। ये मैंने आपको रेडमी के भी फोन्स के टाइम में बोला था और यहाँ पे भी बोलता हूँ, तो G40 काफ़ी अच्छा पैकेज है। इनफैक्ट 14,000 में 732G प्रोसेसर मिलना बहुत बड़ी बात है और वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। और यही सब थी पूरी कहानी से दोनों फोन के बारे में। तो अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपके थॉट्स से दोनों फोन के बारे में, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबा देना क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियोज आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।